Today we will learn about disadvantages of synthetic fibers from our chapter synthetic fibers and plastics. पिछले जो पाँच छः पार्ट से वो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो disadvantages of synthetic fibers में क्या आएगा? तो first, they are not comfortable for summer. ये जो है ना, summer के लिए comfortable नहीं है क्योंकि absorb नहीं करते. Do not absorb sweat, so they are not ये जो है एब्जॉर्ब नहीं करते स्वेट को, इसलिए ना ये कंफर्टेबल नहीं है किसमें, तो समर्स में. इसलिए हम बोलते हैं कि कॉटन के क्लोथ समर्स में पहनने चाहिए. ये एक फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है. तो ये जो है बहुत जल्दी जो है ना वो कैच करते हैं क्या, तो फायर ये जो है बहुत जल्दी कैच करते हैं, इसलिए इनको बोला है इनफ्लेमेबल. दे आर हाईली इनफ्लेमेबल, दे कैच फायर इजीली, दे कैच फायर इजीली. वो जो है ना फायर बहुत इजीली कैच करते हैं. अभी जब वो फायर कैच करते हैं तो वो जो है हम किचन में वेयर नहीं कर सकते जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ज़्यादातर. सो दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते. बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज होते हैं उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. अभी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है इसलिए वो सिंथेटिक फाइबर्स का एक डिसएडवांटेजेस है. मैंने आपको नायलॉन के एक वीडियो में पूछा था कि नायलॉन के 3 टाइप्स होते हैं, नायलॉन 2.6, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6.6. तो इन तीनों में से आपको पूछा था कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है. सो उसका आंसर है नायलॉन 2.6. तो वो उसका आंसर है नायलॉन में, वो वीडियो आप देख सकते हैं. सो दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, दे मे कॉज स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जीज और रैशेस. अभी उस वो जो है सिंथेटिक फाइबर्स वो रेजिस्टेंस तो होते हैं मॉथ से, इंसेक्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लेकिन वो जो है एलर्जीज, स्किन प्रॉब्लम, क्रिएट करते हैं. तो वो जो है स्किन प्रॉब्लम भी बहुत सारे क्रिएट करते हैं. तो वो अभी फायर इजीली कैच करते हैं तो हम जो है उसको किचन में यूज़ नहीं कर सकते. अगर हमने उसको किचन में यूज़ किया तो वो जो फायर कैच करेगा जब वो हमारे ना बॉडी को पूरा ऐसे स्टक करेगा, जिससे अगर वो हम फाइबर निकालने भी जाएंगे तो उसके साथ हमारी पूरी स्किन भी निकल जाएगी. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल टू यूज़ सिंथेटिक फाइबर्स इन किचन्स और इन द प्लेसेस वेयर द fires are the fires take burn. Now we will talk about plastics, what are plastics, their properties and uses. अभी प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो they are made from the chemicals of petroleum origin called petrochemicals. अभी जो प्लास्टिक्स है ना, प्लास्टिक्स किससे बने वाले होते हैं? मेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोकेमिकल से वो बने वाले रहते हैं. क्या? तो प्लास्टिक्स. ये ऐसा याद रखो कि पी मतलब अगर पेट्रोकेमिकल आए तो आपको प्लास्टिक आना चाहिए, अगर प्लास्टिक आए तो पेट्रोकेमिकल्स भी आना चाहिए. तो अभी देखो पॉलीमर मतलब
पॉलीमर है वो जो पेट्रोकेमिकल से बनता है, दे कैन बी मोल्टेड। मोल्टेड मतलब कौन से भी शेप में उनको बनाया जा सकता है। अभी आपके आसपास जो कुछ भी चीज़ें हैं प्लास्टिक्स के, वो अलग अलग शेप्स में होती है, तो दे कैन बी मोल्टेड। तो मोल्टेड के बेसिस पे भी इनको दो तरह से कैटेगराइज किया है, जो मोल्ट होते हैं बार बार और जो नहीं होते हैं, एक ही बार होने के बाद वो बाद में नहीं होते। सो जो एक बार होते हैं उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग्स, एंड जो बार बार मोल्ट होते हैं उसको बोलते हैं थर्मो प्लास्टिक्स। वो हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बाद। अभी प्लास्टिक्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है, दे आर स्ट्रांग। वो जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, एंड करोजियन रेजिस्टेंस। मतलब अभी हम जो है उसके अगले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे कि करोजन मतलब जो रस्ट होता है उसको करोजन रेजिस्ट मतलब करोजन बोलते हैं। तो ये करोजन रेजिस्टेंट है प्लास्टिक, मतलब वो कभी भी रस्ट नहीं होता है। प्लास्टिक डू नॉट गेट रस्ट बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, एयर एंड एसिड्स। हैंस दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, केमिकल्स एंड वाटर्स। मतलब प्लास्टिक जो है वो करोजन रेजिस्टेंस है, तो इसलिए उसको जो है वो बहुत सारे मटेरियल्स, एसिड्स एनी मटेरियल एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे केमिकल्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो प्लास्टिक्स के प्रॉपर्टीज़ में आता है। दे आर लाइट इन वेट। अभी ये जो है वो लाइट होते हैं, लाइट इन वेट एंड ईजी टू हैंडल, और वो जो है हैंडल ईजी भी कर सकते हैं। ईजी टू हैंडल मतलब आप एक क्या करो, जूट का जो बैग है उसमें कुछ सामान डाल के देखो और प्लास्टिक के बैग्स में कुछ सामान डाल के देखो, और कौन सा आपको इजी लगता है कैरी करने में, वैसे तो आपको समझ में आएगा कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो इजी टू हैंडल होते हैं। सो दे आर लाइट इन वेट एंड इजी टू हैंडल ड्यू टू देयर लाइट वेट एंड हाई इलास्टिक स्ट्रेंथ। अभी जो उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो एक तो एक लाइट वेट होते हैं एंड ईजी होते हैं हैंडल करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर के वजह से, लाइट वेट और हाई टेंसाइल के कैरेक्टर के वजह से, दे आर वाइडली यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। इसीलिए मतलब प्लास्टिक्स इजी होते हैं हैंडल करने के लिए, इसीलिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे टेबल। अभी ये जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड, वो भी प्लास्टिक का ही है। तो अभी देखो बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाई जाती है घर में हो, आपके आसपास देखो आप बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो दे कैन बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक। अभी देखो एक बोर्ड है, वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, एंड और बहुत सारे अगर आप चीज़ें देखेंगे तो वो एक तो एक ओपैक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट रह सकती है। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो जो है नॉन कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए से। सो दे आर इंसुलेटर्स। अभी हमने पढ़ा है नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर्स, राइट। फॉर दिस रीज़न इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक। अभी ये नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब अगर ये प्लास्टिक्स
प्लास्टिक से हमें शॉक नहीं लगता। अगर वही हम कॉपर वायर लेंगे और उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी और हीट से थोड़ा रिएक्ट करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है या फिर सीरियस बर्न भी हो सकता है। सो ऐसा प्लास्टिक्स का नहीं है, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तभी वो नॉन कंडक्टर्स है तो उसकी जो प्लास्टिक मतलब वायर की जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग वो प्लास्टिक की होती है। आप घर पे कौन सा भी वायर लो, उसकी जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है, ना कि कॉपर, एल्यूमिनियम और एनी अदर मेटल। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स एंड फ्राइंग प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। अभी जो हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स और एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी टूल जो होता है, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने वाले रहते हैं, बिकॉज दे आर ईजी टू हैंडल एंड दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें स्क्रू ड्राइवर एक इलेक्ट्रिक वायर को या फिर कुछ हीट के आसपास अगर हमें लेके जाना है, तो हैंडल्स वो क्या होंगे, बर्न नहीं करेंगे या फिर हमें शॉक नहीं लगेगा अगर वो हम यूज़ करेंगे तो। अभी देखो, फ्राइंग पैन्स मतलब जो हमारी मम्मी डोसा या फिर जो कुछ भी बनाने के लिए पैन्स यूज़ करती है, वो जो पैन्स के हैंडल्स होते हैं यहाँ से लेकर ऐसे, तो वो जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक्स के होते हैं। बिकॉज़ ये प्लास्टिक्स के होते हैं, हमें जो इतना हीट फील नहीं होता तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड विच आर दे, तो फर्स्ट प्लास्टिक के जो टाइप है उसमें आएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। What are thermosetting plastics? Thermosettings yani kya? Thermosetting plastics, sorry. Thermosetting plastics matlab those plastics which when molted once cannot be softened on heating आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। मतलब अगर वो एक बार उनका जो शेप है वो उन्होंने ले लिया, तो दोबारा वो हीट करने के बाद डोंट चेंज देयर शेप, वो जो है उनका शेप चेंज नहीं करते हीट करने के बाद भी, इसलिए उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। मतलब एक बार वो अगर सेट हो गया तो उसके बाद उसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता उसका शेप चेंज करने के लिए, इसलिए बोलते हैं सेटिंग। मतलब एक बार वो सेट हो गया, एक बार अगर कोई सेटल हो गया परमानेंटली, तो हम उसको वहाँ से कितना भी हटाने की कोशिश किए तो वो हटेगा क्या? नहीं। वैसे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का होता है, एक बार अगर उसने शेप ले लिया तो उसको कितना भी हीट दो, कितना भी रिएक्शन दो उसको, वो शेप चेंज नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अभी उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, लाइक बेकेलाइट एंड मेलेमाइन, सो और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंड ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं उनके जो मोनोमरिक यूनिट होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते, इसलिए वो शेप चेंज नहीं करते, बिकॉज क्रॉस लिंक जो मोनोमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और क्रॉस लिंक्ड या फिर लीनियर लिंक्ड, ब्रांच लिंक्ड, अगर ये आपको देखना है तो हमने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। तो ये हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में। अभी थर्मोप्लास्टिक्स क्या है,
थर्मोप्लास्टिक्स मतलब जो बार बार उनका शेप चेंज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं थर्मो थर्मो प्लास्टिक्स। सच प्लास्टिक्स विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग कैन बी मेल्टेड एंड रीशेप्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड थर्मो प्लास्टिक्स। अगेन एंड अगेन, ये वर्ड याद रखो, बिकॉज वो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो अगेन एंड अगेन उसको जो रीशेप कर सकते हैं, मतलब हम उसको बहुत ज़्यादा बार उसको शेप दे सकते हैं, इसलिए उसको बोला है थर्मोप्लास्टिक्स। दे हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर, उनकी जो मोनोमर की अरेंजमेंट होती है वो एक लीनियर अरेंजमेंट होती है। अभी उनकी जो मोल्ट होने की कैपेसिटी है वो हम अगर हीट करेंगे तो वो मोल्ट होंगे, उसको जब वो कूल हो जाएंगे मतलब वो ठंडे हो जाएंगे तो वो उसका शेप जो है वो रीगेन कर सकते हैं। अभी एग्जांपल्स क्या है, पॉलीथीन है, पॉलीविनिल क्लोराइड है, मतलब पीवीसी जो पाइप्स होते हैं वो, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी हम प्लास्टिक्स के यूजेस देखेंगे। प्लास्टिक्स के यूजेस जो है वो बहुत सारे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे जो लिक्विड मतलब मिल्क वाटर, जिसके पाउच मिलते हैं, वो पाउच किससे बने वाले रहते हैं, वो पाउच प्लास्टिक से बने वाले रहते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स की जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। शूज हैंडबैग, फर्नीचर, फ्लोर कवरिंग, रेनकोट, एंड बॉटल्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें। अब आसपास आपने देखो आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएगी, जैसे मोबाइल का कवर, सोफ़ा, चेयर, टेबल और बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि विंडो भी, जो एरोप्लेन की विंडो होती है वो भी प्लास्टिक से बनी वाली रहती है। और नॉन स्टिकी पैन्स जो होते हैं, आपके बहुत सारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने वाले होती है। और जो जहाँ पे हमारी मम्मी पिकल स्टोर्स करती है या फिर कुछ सामान स्टोर करती है प्लास्टिक्स के बॉटल्स में, वो भी प्लास्टिक से बने वाली होती है। अभी ऐसे कुछ यूजेस है, वैसे आपको बहुत सारे यूजेस मिल जाएंगे। और अभी प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट हम देखेंगे। और प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या। बायोडिग्रेडेबल 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 मतलब डीकम्पोज्ड नेचुरल प्रोसेस, डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं वो रहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ये नेचुरल प्रोसेसेस मतलब क्या, इन पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको सेकेंड चैप्टर है साइंस का, राइट, मतलब बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
सो अभी देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, नॉन बायो डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड, नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, मतलब वो जो है वो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज्ड नहीं होता है, इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब वो बहुत सारे ईयर्स भी ले सकता है, जैसे 500 600 ईयर्स भी वो ले सकता है बायोडिग्रेडेबल, सॉरी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत सारे ईयर्स लेते हैं, लाइक 500 और 600, लेकिन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स 10 टू 20 ईयर्स में पूरे के पूरे डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे पोल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स, प्लास्टिक से क्या पोल्यूशन कॉज होता है। एक तो एक प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सो वो जो प्लास्टिक्स के नॉन बायोडिग्रेडेबल की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करती है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि रिवर्स में लेक्स में जो प्लास्टिक्स फेंके जाते हैं, प्लास्टिक्स जो फेंके जाते हैं लाइक रिवर्स लेक्स ओशियंस एंड सीज में, इन चारों में जो कुछ भी प्लास्टिक्स फेंके जाते हैं ना, उसके वजह से जो इसकी लाइफ है मतलब एक्वेटिक लाइफ वो बहुत ज़्यादा डेंजर में जा रही है। एक्वेटिक लाइफ की जो वैराइटीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा समय लेता है प्लास्टिक्स वो भी डिकम्पोज्ड होने के लिए, लाइक 600 टू 700 ईयर्स। अगर उसमें हमने लेक्स रिवर्स ओशंस एंड सीज में अगर हमने प्लास्टिक डाल दिया तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। अभी प्लास्टिक्स अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हम जब भी रास्ते पे अगर हम जा रहे हैं तो रास्ते पे भी हम बहुत सारे प्लास्टिक के कैरी बैग्स गारबेज एंड बहुत कुछ प्लास्टिक के चीज़ें देखते हैं। जो काउज है, काउज गोट्स या अगर उसको खा लेंगी प्लास्टिक्स को तो उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें वो ऐसे चोक हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पे ही रहेगा, उसको ब्रीथ करने में जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और वो काऊ गोट जो कुछ भी एनिमल्स वो खाते हैं वो मर जाएंगे बेचारे। इसलिए हमें प्लास्टिक रोड्स पे रिवर्स पे लेक्स में कहाँ पे भी नहीं फेंकना है। प्लास्टिक फेंकने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए। सो पॉलीथीन की जो बैग्स होती है वो ड्रेन्स भी कभी कभी क्लॉग करती है, दे क्लॉग द ड्रेन, इसलिए वहाँ पे अगर पानी नहीं जा रहा है ड्रेन्स में से प्लास्टिक्स के बैग्स के वजह से तो वो जो पानी है वो डायरेक्ट रोड पे आ जाता है और व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। प्लास्टिक्स इवॉल्व्स पॉइजनस फ्यूम्स ऑन बर्निंग, जब हम उसको बर्न करते हैं प्लास्टिक को तो उसकी जो फ्यूम्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए प्लास्टिक को हमें बर्न भी नहीं करना चाहिए। तो हम देखेंगे मेजर्स टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन भी तो हमें रिड्यूस करना चाहिए, सो हम वो कैसे कर सकते हैं। मेजर्स टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, अभी प्लास्टिक पोल्यूशन अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें 5 आर्स
जो 5R प्रिंसिपल, उसका हमें यूज करना चाहिए। 5R प्रिंसिपल मतलब है कि कुछ स्कूल या फिर ट्यूशन का प्रिंसिपल्स नहीं है। 5R प्रिंसिपल मतलब रिड्यूस, सॉरी हाँ रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिकवर, रिफ्यूज। ये जो 5R प्रिंसिपल है ये है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देखो हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब हमें प्लास्टिक्स का जो यूज़ है मतलब पॉलीथीन बैग्स का यूज़ कम करना चाहिए, कम कम करना चाहिए। रिसाइकल मतलब अगर समझो हमने प्लास्टिक ले भी ली, समझो हमने प्लास्टिक ले भी ली तो वही प्लास्टिक 7 to 8 टाइम्स और मोर यूज़ करना है उसको, 7 to 8 टाइम्स और उससे ज़्यादा भी हम यूज़ कर सकते हैं तो वो रिसाइकल भी हो जाएगा। अभी दिस इज़ रिड्यूस। सो रिड्यूस मतलब हमें कम करना है एंड रीयूज़ मतलब हमें उसी को डबल डबल यूज़ करना है। अभी समझो एक प्लास्टिक है तो उस प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, या फिर एक जैसे हम पेपर्स का वगैरह कुछ बनाते हैं डेकोरेटिव चीज़ें, वैसे ही हम प्लास्टिक्स के या फिर प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है उनके हम रीयूज़ कर सकते हैं, उसकी कुछ डेकोरेटिव चीज़ें भी बना सकते हैं या फिर यूज़फुल चीज़ें भी बना सकते हैं। अभी रिकवर मतलब समझो आपने एक प्लास्टिक की पूरी थैली लेकर रिवर में डाल दी, अगर वो रिवर में डाल दी तो उसके बदले में आपको टू प्लांट करना चाहिए। तो अगर हमने एक प्लास्टिक्स की एक थैली अगर हमने रिवर्स में अगर डाल दी है तो एक्वाटिक लाइफ बहुत ज़्यादा हार्म हो सकती है, तो इसलिए उसके वजह से उसको रिकवर करने के लिए हम 2 प्लांट्स लगा सकते हैं या फिर 1-2 छोटे छोटे सैपलिंग्स भी लगा सकते हैं। रिफ्यूज़ मतलब अगर एक दुकानदार आपको प्लास्टिक की थैली दे रहा है ये लो, तो आपको बोलना चाहिए कि अंकल आपको प्लास्टिक के वजह से बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह होता है, सो आपको पेपर बैग्स वगैरह रखना चाहिए, सो आपको वो रिफ्यूज़ करना चाहिए कि हमें प्लास्टिक की थैली नहीं चाहिए। सो ये है 5R प्रिंसिपल। सो इस 5R प्रिंसिपल्स के साथ ही हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।